सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अररिया के आरती और छोटू की प्रेम कहानी में लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि घटना के दिन पुलिस ने धीरेंद्र यादव, जो आरती के पिता थे, और उनके भाई रविकांत यादव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस की दबिश बढ़ने पर आरती के बहनोई पवन यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद हम आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि आरती के एक और बहनोई जो मिथिलेश यादव हैं, वो भी न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण पिछले 25 जुलाई को किया है। आपको बताते चले कि आरती की बड़ी बहन कुंदन यादव के पति पवन यादव, जो आरती के बड़े बहनोई थे, उन्होंने भी न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण किया था, जबकि आरती की मंझली बहन जो है खुशबू देवी, उसके पति मिथिलेश यादव पिछले 25 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर किया है। आपको बताते चले कि अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें धीरेंद्र यादव, रविकांत यादव, पवन यादव और मिथिलेश यादव शामिल हैं। लेकिन अभी भी इस मामले में 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिसमें एक अभियुक्त रूबी देवी है, जिन पर आरती लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रूबी देवी ने ही उनके जो प्रेमी छोटू थे उनको बुलाया गया था। रूबी देवी के द्वारा ही आरती जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि उन्होंने ही छोटू को शादी का झांसा देकर बुलाया था, जबकि एक और आरोपी जो आरती के भाई शशिकांत यादव हैं, वो भी फरार चल रहे हैं, और रूबी देवी के भाई चंदन यादव भी अभी फरार चल रहे हैं। यानी आरती और छोटू की प्रेम कहानी के मामले में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है, जबकि 3 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। जबकि आज भी इस घटना में कई सवाल खड़ी हो रहा है, जिस प्रकार से आरती लगातार झूठ पर झूठ बयान दे रही है, लगातार वो मनगढ़ंत बातें कर रही है, उससे सवाल यह उठता है कि क्या छोटू आरती की भाभी रूबी देवी से प्यार करता था? अगर रूबी देवी से वो प्यार करता था तो रूबी देवी के बुलाने पे वो शादी करने के लिए पहुंचा। सवाल तो निश्चित तौर पे उठेगा, क्योंकि आरती जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि उनकी भाभी रूबी देवी के बुलाने पे ही वो आरती के घर पहुंचा था, वो भी रात्रि के 2 बजे। क्योंकि आरती जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि उनकी भाभी रूबी देवी शादी का झांसा देकर उनके प्रेमी छोटू को बुलाया था, तो सवाल उठता है कि आखिर छोटू आरती से प्रेम करता था या आरती के भाभी रूबी देवी से? और इस मामले में कुल 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस लगातार इस घटना में अनुसंधान कर रही है। जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, और अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो आरती की मंझली बहन है, उनके जो पति मिथिलेश यादव हैं, आप स्क्रीन पर उनका तस्वीर देख रहे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये भी अब जेल जा चुके हैं, और अभी 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।